तो यार मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, हिस्ट्री चारबाग की। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ये चारबाग की हिस्ट्री है, ये 1930 में कैसा चारबाग दिखता था ऐसा दिखता है। और ये स्टीम इंजन, अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो एस बाग जानते होंगे, ये स्टीम इंजन की तस्वीर है, बहुत पुरानी तस्वीर है एस बाग की। और ये प्रेशर इंडिकेटर है, अरे जो प्रेशर जब हाई होता है तब ये इंडिकेट करता है कि आप प्रेशर को रिड्यूस करें। डबल फ्रेम स्टीम हैमर, तो है एवरीवन। आज सारे फॉर्म सबमिट हो गए हैं, अब दिखाते हैं। उस दिन नहीं दिखा पाते, यहाँ कुछ चीजें रखी हुई हैं अभी तो। फिर ना ऐसा गलत काम ना करना जी। फिलहाल हम ढंग से नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। अब्दुल भाई अपने फॉर्म भर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। अब्दुल भाई फॉर्म भरते हुए हैं, डिटेल नहीं दिखाएंगे अब्दुल की, खाली चेहरा दिखाएंगे बस। पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। आप बताओ, हमारे हमारे जो है सर्टिफिकेट पे ऐसे लिखे यो यो अब्दुल सलाम, ऐसा फोटो लगाना चाहिए। आदमी फ्री की चीज पा जाए तो क्या क्या ना करे। ये फ्री का इंटरनेट है। ये फिर वो लगा है राउटर, ये लगा है चलाने वाले। ये देखो ये भी जा रहे हैं, बहुत समस्या है। कितना स्पीड दे रहा है? 3 MB बस, इतने में तो हम बाहर कहाँ चले। बाहर तो और नहीं पकड़ेगा, राउटर तो यहीं लगा ना। तो गाइस इंजीनियरिंग का नया नमूना दिखाते हैं। ये वेंटिलेशन सिस्टम है, शायद तुमको दिखा रहे हैं। ये वेंटिलेशन सिस्टम है, बाकी यहाँ कुछ सर्टिफिकेट लग गए हैं। चार बार बिकम्स ग्रीन को गोल्ड सर्टिफिकेट, ये 2021 का है। जूम टी शर्ट चलना पड़ेगा, तो दिखा रहे हैं। ये 2017 का सर्टिफिकेट है, ये 2013 का है, वापस नहीं हो रहा। चार बार पर 1993 का दिखाते हैं, 1985 1952 1868 1853। फर्स्ट ट्रेन का भी सर्टिफिकेट लग। यहाँ पे कुछ रेलवे की किताबें रखी हुई हैं, अकाउंट से संबंधित, कॉस्ट एंड अकाउंट इंजीनियरिंग एस्टिमेट, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग किताबें। यहाँ पे कुछ पार्ट्स के डिज़ाइन का डायमेंशन दिया हुआ है। वैसे डायमेंशन फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है किसी पार्ट की, पहले से जो फिक्स हैं वही रहती हैं, बाकी देख लो। तो यार ये मैनुअल प्रेस मशीन है, देख लो। पहले जब ऑटोमेटिक प्रेस मशीन नहीं रहती थी, पहले हाथों से दबाया जाता था मार्किंग करने के लिए। तो ये रही मैनुअल प्रेस मशीन, पूरा देख सकते हो। ठीक ही ठाक हुआ था। ये देख लो यार, इतना बड़ा ये फ्लाई व्हील है, ऐसे ही गियर भी होता है। ये मेटल का नहीं है, ये वुड का है, लकड़ी का बना हुआ है ये फ्लाई व्हील। इतना बड़ा है भाई, देख सकते हो, सोचो। जब फ्लाई व्हील इतना बड़ा है तो इंजन कितना बड़ा होगा। ये भी देख लो, हैंड सैनिटाइजर है भी कि नहीं है? नहीं है यार, जाम है तो पूरा है नहीं इसमें कुछ, खाली। बाकी इधर कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं यार, ये बहुत पुराने दस्तावेज हैं, बहुत पुराने दस्तावेज हैं, देख सकते हो एकदम जर्जर हालत में है।
फ्रेम करके रखे हुए हैं सब, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहे हैं कि नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, कोशिश रहेगी पूरा दिखाने की। तो यार ये रेलवे लाइन जहाँ जहाँ पे बिछी हुई है उनका पूरा मैप है पूरे देश में। सिंगल शॉट राइफल भी रखी हुई है यार इसमें, चला के देखें क्या। ये 1870 की बिल्डिंग है भाई, देख लो 1870। क्या M12 7B M12 मतलब ये इंजन देख लो यार, जल्दी जल्दी से दिखा लें, अब जाने का टाइम आ गया है। मौरी की फोटो सही है कि तुम लोग मौरी की फोटो ही नहीं खींच रहे हो, परेशान कर रहे हो उसको। चलो चलो चलो, हो गया बस खत्म। तुम क्या, तुमको खिंचवाना है? हमको पार्टी चाहिए। पार्टी काहे की? पर कौन सी कार? डबल एक्सल कपड़ा ले रहे हैं किसी के साथ, डबल एक्सल की पार्टी। हाँ चलो, सनरूफ है कि नहीं उसमें?